दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु अपने मित्रों के साथ स्वागत करता हूं। पीछे खड़े नागेंद्र जी, उमेश, दीपक और सलीम बागड़ा से हैं और सबसे पीछे दिखाई दे रहे हैं अमोल। हम आज हमारे उस अधूरे सफर को पूरा करने निकले हैं जो एक बार और हम निकले थे बरसात के समय। पानी बहुत गिरा जिसकी वजह से हम अंदर तक नहीं आ पाए थे। तो आज हम आ पहुंचे हैं बागड़ा का किला घूमने और आपको दिखाने अवशेष बागड़ा के किले के। तो आइए चलते हैं, हम बागड़ा का किला दिखाते हैं आपको और हम भी देखते हैं। आइए चलें, चलो। ये भाई लोग चल दिए हैं सब साथ में। हम आ पहुंचे हैं किले के पास में। ये वृक्षों के पीछे कुछ दीवारें हैं किले की, अवशेष हैं बागड़ा का किला। तो हम चल रहे हैं किले को देखने। तवा डैम को चला जाता है और ये हम इधर बागड़ा तवा रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। ये ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट होती है बागड़े के किले के लिए। ये यहाँ से एक पगडंडी बनी हुई है किले तक जाने के लिए, जिस पगडंडी पर ये आगे भाई लोग चल रहे हैं। दोस्तों बागड़ा का किला मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई तहसील से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर तवा नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि इस किले के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। 250 से 300 साल पहले गोंडवाना राजा हुशंग शाह गौरी शाह ने इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले के राजा के पास एक पारस पत्थर था। जी हाँ, वही पारस पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि उस पत्थर से हम लोहे की कोई भी चीज़ को छिला देंगे तो वह चीज़ सोने की हो जाएगी। तवा नदी के दूसरी तरफ किसी गांव के चमड़े का काम करने वाले एक व्यक्ति को यह पारस पत्थर नदी में प्राप्त हुआ, तो उसने यह पारस पत्थर ले जाकर राजा को दे दिया। राजा बहुत खुश हुए और खुश होकर रानी ने उस व्यक्ति को अपना भाई बना लिया और उस व्यक्ति के नाम पर ही उस गांव का नाम चमरदल कर दिया गया। पारस पत्थर की वजह से यहां का पूरा लोहा सोने में तब्दील कर लिया गया। इस तरह एक बड़ा भारी खजाना यहां इकट्ठा हो गया। पारस पत्थर और खजाने की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। खजाने को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ आक्रमण कर दिया। राजा ने अंग्रेजों से युद्ध किया और युद्ध में राजा मारा गया। राजा के मरने के बाद रानी पारस पत्थर को लेकर तवा नदी में कूद गई। नदी में डूबने से रानी की मौत हो गई और पारस पत्थर तवा नदी में ही कहीं गुम हो गया, जिसे ढूंढने की अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की किंतु उनके प्रयास सफल नहीं हुए। तवा नदी की गहराई बहुत अधिक थी। अंग्रेजों ने हाथी के पैरों में लोहे की सांकल बांधकर उन्हें नदी में बहुत घुमाया, तो कुछ सांकल सोने की हो भी गई किंतु इसके बाद भी पारस पत्थर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा। कहते हैं राजा ने किले के दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगवा दिए थे, जिसकी वजह से कोई खजाने तक ना पहुँच सके। और हुआ भी यही, अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की उन तालों को तोड़ने की, किंतु उन तालों को तोड़ पाना अंग्रेजों के लिए भी संभव नहीं हो सका। इस किले में कई सुरंगें बनवाई गई थी कि यदि कभी कोई खतरा हो तो आसानी से सुरक्षित रूप से बहुत दूर आगे तक निकला जा सके। एक सुरंग तवा नदी के दूसरी तरफ चमरदल गाँव में निकलती थी। एक सुरंग यहाँ से पचमढ़ी को भी जाती थी। किले में कई सुंदर सुंदर बावड़ियाँ थीं। एक बावड़ी से
दूसरी बावड़ी में जाने के लिए भी अंदर ही अंदर गुप्त रास्ते भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि खजाने के लालच में सिर्फ अंग्रेजों ने ही यहाँ आक्रमण किया। अंग्रेजों को तो ना खजाना मिला और ना ही पारस पत्थर मिला, किंतु आज भी लोग यहाँ आकर खुदाई करते हैं, तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं कि खजाना कहीं से प्राप्त हो सके। किले के चारों तरफ खूबसूरत घना जंगल है। कहा जाता है कि पुराने समय में राजा महाराजा अपने खजानों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाएं करके उसे किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया करते थे, जिसकी वजह से वह आसानी से किसी के हाथ नहीं लग पाता था। किंतु आज भी कई लोग हैं जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं करके और उस खजाने को ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु जो देखा गया है कि उसमें से या तो अधिकांश लोग पागल हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बागड़ा के किले में भी बहुत से लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, किंतु किसी को आज तक सफलता हाथ नहीं लगी। आज भी इस बागड़ा के किले में कई जगह तंत्र मंत्र करने की कुछ निशानियां प्राप्त होती हैं, कई जगह लोगों ने खुदाई की है, उसके निशान भी यहाँ देखे जा सकते हैं। इन खंडहरों को देखकर कहा जा सकता है कि किसी जमाने में ये किला अपने वैभवशाली इतिहास के साथ खड़ा रहा होगा। एक ये कुंड है, तो द्वार दिखाई दे रहा है, इसके आने का रास्ता ये सामने वो सलीम भाई खड़े हुए हैं वहां से आता, अब हम वहीं चल रहे हैं, उस रास्ते को देखेंगे जो वहां से यहां तक आता है अंदर ही अंदर जमीन के। दोस्तों, इस किले से तवा डैम की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। हम अगले ब्लॉग में तवा डैम चलेंगे और यहीं पास में एक हुसंग शाह गौरी शाह की मजार भी है, वहां भी हम तवा डैम के वीडियो के साथ आपको ले चलेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा किला है जिसके एक छोटे से हिस्से में हम आज घूम रहे हैं। अंदर और घने जंगलों में जब हम जाते हैं तो इसके और अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, किंतु वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा है, इसलिए हम आज वहाँ नहीं चल रहे हैं। चल रहे हैं कैमरे के साथ।
यहाँ से एक रास्ता पचमढ़ी को जाता था, जिस रास्ते पर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हम पचमढ़ी तक नहीं जाएंगे, इससे हमें वापस आना पड़ेगा। और ये इधर पीछे तवा के उस तरफ एक चमरदल को निकलती थी एक सुरंग। अब वो कहाँ से जाती थी ये तो बताना या ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये दीवाल की मोटाई देखिए, कितनी मोटी दीवाल हुआ करती थी उस समय। पत्थर है यार, वो पूरे पत्थरों से बनी हुई दीवाल है, पत्थर ही पत्थर। कितनी मोटी दीवाल थी ये तवा के पत्थर। ये एक छोटा सा रास्ता है, शायद बरसात का पानी निकला होगा। और ये भाई लोग कह रहे हैं कि सुरंग भी हो सकती है। अरे देख, तोड़ना नहीं, पेड़ नहीं तोड़ना, आराम से आराम से आराम से आराम से। दोस्तों, अभी हमने बागड़ा का किला देखा और यहाँ से अब हम चल पड़े हैं तवा डैम की तरफ, जो कि यहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर आगे है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तक ना किया हो तो बेल आइकॉन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।